नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिशन इंद्रधनुष के तहत 5 दिवसीय स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का मंत्री चौबे ने किया उद्घाटन, कहा निःशुल्क सेवा जनता के लिए उपयोगी। बिहार पुलिस सप्ताह को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन, SSP ने पौधारोपण कर छात्रों को किया पुरस्कृत। PMBU कॉपी बिक्री मामले में सीनेट सदस्य ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग, कहा कुलपति द्वारा बनाए गए जांच कमेटी पर है संदेह। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान, कई वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। और DRDA सभागार में जनगणना प्रशिक्षण शुरू, 4 दिनों तक मास्टर ट्रेनर देंगे अधिकारियों को ट्रेनिंग। अब समाचार विस्तार से। लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम बुधवार से शुरू हो गया। भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड में स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता अभियान का उद्घाटन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, भागलपुर सांसद अजय मंडल, राज्यसभा सांसद कहकसा प्रवीण, मेयर सीमा शाह, भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे, लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो पटना के अपर महानिदेशक शैलेश कुमार मालवीय और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मिशन इंद्रधनुष द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। मंत्री ने विशेष स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में कहा कि 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत लोगों में जागरूकता फैलाया जाएगा। वहीं भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे ने बताया कि शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, दवा वितरण तथा टीकाकरण की सुविधा है। मौके पर DDC सुनील कुमार, चंदन ठाकुर, अभिषेक कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। भारत सरकार के इस 5 दिवसीय जो सतत इंद्रधनुष मिशन 2 के इस कार्यक्रम का आयोजन, 5 दिवस का यह आयोजन किया गया है, जिसमें जो टीकाकरण की बात है उस पर विस्तार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आग्रह किया है, 2014 से जो ये टीकाकरण अटल जी के जन्मदिवस पर और पंडित मदन मोहन मालवीय के जयंती पर ये शुरू हुआ था, देश भर में टीकाकरण में काफ़ी बड़ी उपलब्धि हुई है। प्रधानमंत्री जी ने सतत इंद्रधनुष योजना पहले चलाया था, अब इंद्र वन का अब टू चला रहे हैं। भागलपुर में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत संचालित निशुल्क पुलिस पाठशाला अब पूरे बिहार के लिए मॉडल बनता जा रहा है। दरअसल सेंडिस कंपाउंड के ओपन थिएटर में 16 फरवरी से शुरू हुई पुलिस पाठशाला वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के मार्गदर्शन में चल रही है। निशुल्क पाठशाला में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, साथ ही छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया जाता है। बुधवार को बिहार पुलिस सप्ताह के तहत पुलिस पाठशाला में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 40 ग्रुप बनाया गया। इसके बाद अंतिम राउंड में 3 ग्रुप के प्रतिभागियों ने बाजी मारी। सफल प्रतिभागियों को SSP आशीष भारती ने उपहार देकर पुरस्कृत किया, साथ ही मेहनत के साथ पढ़ाई करने की बात कही। इसके पूर्व शिक्षक रविकांत घोष, रविशंकर चौधरी, राजीव भगत और जिला भविष्य निधि लेखा पदाधिकारी राजेंद्र चंद्रवंशी एवं शेखर कुमार पांडे ने छात्रों को करंट अफेयर्स और GK पर मजबूत पकड़ बनाने की बात कही। वहीं पर्यावरण संरक्षक राजा बोस ने पुलिस पाठशाला में मौजूद छात्र छात्राओं को पेड़ पौधे का महत्व बतलाया और मेक योर होम ग्रीन पर चर्चा की। इसके बाद SSP आशीष भारती, CTDSP राजवंश सिंह, लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर कुणाल आनंद चक्रवर्ती, ततारपुर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार, अखिलेश कुमार समेत कई शिक्षक और छात्र छात्राओं ने सेंडिस कंपाउंड मैदान में पौधारोपण किया और पर्यावरण के प्रति सजग और सतर्क रहने का संकल्प लिया। बिहार पुलिस सप्ताह जो 22 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है, उसी क्रम में आज जल जीवन हरियाली के संबंध में अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन सभी जगहों पर किया जा रहा है। सभी थानों में इसका आयोजन किया जा रहा है, सभी पुलिस प्रतिष्ठानों में इसका आयोजन किया जा रहा है। और हम लोग जो पुलिस पाठशाला चलाते हैं, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे आज इसके संबंध में एक क्विज का आयोजन किया गया है और क्विज के माध्यम से भी जागरूकता दिया गया है। साथ में हमारे शहर के एक काफ़ी नामी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं राजा बोस जी, उनका यहाँ पे अवेयरनेस के लिए टॉक कराया गया था और
इसके अतिरिक्त जितने भी बच्चे हैं उनके हाथों से एक एक वृक्ष लगवाया जा रहा है, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी इस पाठशाला से जुड़े हुए लोग हैं उनके हाथों से पेड़ लगाया जा रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय आशीष भारती SSP सर का, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि सभी को जागरूक करने का, जितने पुलिस पाठशाला में लोग हैं और जितने भी सारे लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए मुझ जैसे लोगों को इन्होंने यहाँ पर बुलाया है, तो सबसे पहले तो मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगा। और मैंने बच्चों को ये जानकारी दी कि मेक योर होम ग्रीन, इसके तहत 5-6 पौधा जो नासा के द्वारा अप्रूव्ड है, जैसे आपका अरिका पाम हुआ, सेंसवेरिया है, तुलसी का पौधा है, पीस लिली है और मनी प्लांट है, ये बहुत साधारण से पौधे हैं जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, और अपने घरों को ग्रीन बनाइए। तिलकामान जी, भागलपुर विश्वविद्यालय में बिना परचेज एंड सेल कमेटी की अनुमति और बगैर टेंडर कॉपी बेचने के मामले में सवाल उठने लगे हैं। हालांकि कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने पूरे मामले की जांच के लिए 3-सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। दरअसल विश्वविद्यालय में कॉपी बिक्री का मामला सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने उठाया था, जिसके बाद कुलपति ने कहा था कि कॉपी कब और कैसे बेची गई इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। वहीं प्रतिकुलपति से जब कॉपी बेचने की जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि कुलपति के अप्रूवल पर ही कॉपी बेची गई है। इधर बुधवार को सीनेटर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने कॉपी बिक्री मामले में उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई है, जिसमें FA साहब का भी नाम हम देखे। हम भी यही चाहते हैं कि जो भी काम हो नियमानुकूल हो। ये कॉपी बेचने का मामला भागलपुर यूनिवर्सिटी के सबसे उच्च सदन में उठा था और हम खुद उठाए थे इसको, और इसके अध्यक्ष होते हैं महामहिम कुलाधिपति महोदय। ऐसे में जो कमेटी का स्तर होना चाहिए वो उच्च स्तर की कमेटी बननी चाहिए, या तो विजिलेंस जांच हो जाए या फिर न्यायिक जांच हो जाए, या फिर राजभवन के लेवल से जो कमेटी बने, विश्वविद्यालय यहां से अनुशंसा करे। हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी नहीं हैं, हम व्यवस्था पर मेरा सवाल है। भागलपुर समाहरणालय के समीप बुधवार को पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारी और जवानों ने वाहनों की तलाशी ली। वहीं चेकिंग अभियान में कई लोग पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास कर रहे थे, जिनके मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। चेकिंग के दौरान कई वाहन चालकों को जुर्माना भी लगाया गया और हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने की नसीहत दी गई। इस दौरान चेकिंग अभियान चला रहे इंस्पेक्टर KK शर्मा ने बाइक चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी के कागजातों की जांच की। विशेष अभियान हम लोग कल भी जागरूकता अभियान हम लोग चलाए थे, आप लोग हेलमेट पहन के चलिए, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम लोग आज विशेष अभियान चला रहे हैं। हम हैं और हमारे थाना इंचार्ज बड़ा बाबू हैं, हम लोग दोनों मिलकर आज हेलमेट का विशेष अभियान चला रहे हैं और फाइन भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज हेलमेट पहन के चलिए। भारत की जनगणना 2021 के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण बुधवार से शुरू हो गया। भागलपुर समाहरणालय स्थित DRDA सभागार में अधिकारियों ने जनगणना के लिए सहायकों को प्रशिक्षण दिया। 4 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले जिला स्तरीय और फिर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू राय एवं उपनगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा समेत कई अधिकारियों ने जनगणना के तहत मकान सूचीकरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रीकरण के अपडेट की जानकारी दी। वहीं मास्टर ट्रेनरों ने जनगणना के दौरान सही आंकड़े को फॉर्मेट पर अंकित करने पर जोर दिया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल, CBSE कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत सनोखर थाना, रसलपुर थाना एवं अनबंडा थाना में बुधवार को एसएसपी आशीष भारती एवं कहलगांव डीएसपी रेणु कृष्ण ने वृक्षारोपण कर समाज को जल जीवन हरियाली के प्रति जागरूक किया। इसके बाद पुलिस पब्लिक के बीच संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। संवाद गोष्ठी में एसएसपी आशीष भारती ने आम लोगों को वृक्ष से होने वाले लाभ एवं जल संरक्षण के तरीके बताए। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि जल और वृक्ष प्रकृति का दिया अनमोल उपहार है। पेड़ पौधे के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। संवाद गोष्ठी में मुखिया शिव कुमार शाह ने बेवजह जल नष्ट नहीं करने की अपील की। मौके पर अनुज कुमार, उमाशंकर सिंह, संतोष कुमार गुप्ता, अशोक कुमार यादव सहित पुलिसकर्मी एवं ग्रामीण मौजूद थे। बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर जल जीवन हरियाली के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और सभी पुलिस प्रतिष्ठानों में पौधारोपण एवं जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे सनोखर थाना में आए हैं। सनोखर थाना के से सटे हुए ही एक बहुत बड़ा तालाब है, तो उसको हम लोगों ने आम जनता के सहयोग से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको उसका सौंदर्यीकरण किया जाए और उसको और बेहतर बनाया जाए। उसी के तहत आज यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं जो तालाब है उसके आसपास। ऐसी जानकारी मिली है कि यहाँ पे कुछ जो सरकारी ज़मीन है वो अतिक्रमित है, तो उसके लिए जो विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसके लिए निर्देश दिया गया है। देवघर जिला के सारठ प्रखंड मुख्यालय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन देवघर के डीसी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में सारठ के असहाय ग्रामीणों ने डीसी के समक्ष अपनी समस्या रखी। वहीं डीसी ने ग्रामीणों की समस्या को सुनते हुए जल्द ही समस्याओं का निष्पादन करने की बात कही। मौके पर देवघर जिला के आला अधिकारी सहित सारठ गांव के कई ग्रामीण मौजूद थे। प्रखंड मुख्यालय में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाकी के कार्यक्रम की तरह ही आज काफ़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ आए हैं और मुख्यतः जो उनकी समस्याएं हैं वो राशन पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन, इन सबसे संबंधित है जो लोगों को आवेदन प्राप्त हुए। उद्देश्य यही है कि एक हम लोग जाके प्रखंड में, क्योंकि सीधे बड़े पदाधिकारी जाते हैं, सभी प्रखंड के पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, तो आवश्यकता है कि हम सभी ज़्यादा संवेदनशील होकर लोगों का कार्य करें और जितने भी लोग के समस्याएं हैं उनका निदान हम लोग जो जितना जल्द से जल्द हम लोग कर सकें। जगदीशपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय फुलवड़िया में प्रखंड स्तरीय शिक्षण अधिगम सामग्री विज्ञान मेला का शुभारंभ किया गया। मेला का उद्घाटन प्रधानाध्यापक सुशीला कुमारी, आनंदी प्रसाद सिंह, डॉक्टर दिनेश कुमार, सुभाष चंद्र पासवान एवं सचिदानंद दास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मंच का संचालन प्रणव कुमार पांडे ने किया। विज्ञान मेला में बच्चों ने प्रदूषण तथा कचरा प्रबंधन पर एक से बढ़कर एक मॉडल प्रदर्शित किया। मेले में अन्य स्कूलों से आए बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। मौके पर विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपस्थित थे। IAQC सेल के तत्वावधान में रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विषय पर SM कॉलेज में व्याख्यान आयोजित की गई। कार्यक्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बॉटनी की प्रोफेसर हरवंत कौर केहरी ने कहा कि कृषि के लिए जैविक खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। प्रोफेसर हरवंत कौर ने जीवाणु युक्त खाद का प्रयोग और परंपरागत खेती को अपनाने की बात कही। मौके पर डॉक्टर रमन सिन्हा, डॉक्टर रफीकुल हसन, डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर मुकेश सिंह, डॉक्टर रीता सिन्हा सहित कई विभागों के शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थी। IQAC के तत्वावधान में हमारे यहाँ एक लेक्चर रखा गया है, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हरवंत कौर केहर जी आई हैं। वो बॉटनी डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी स्कॉलर हैं। उन्हीं को आज बुलाया गया है एक लेक्चर के लिए, जो सभी साइंस की छात्राएं उससे लाभान्वित होंगी। उनको बतलाएंगी कि माइक्रोब्स का क्या इम्पोर्टेंस है, माइक्रोब्स के द्वारा कैसे सॉइल को, कैसे फर्टिलाइजेशन को उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत भागलपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को इसाकचक थाना में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इसके बाद थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु दलवल के साथ सीधे भिकनपुर गुमटी नंबर 3 स्थित सनराइज पब्लिक स्कूल पौधा लेकर पहुंच गए और स्कूली बच्चों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। वहीं अचानक स्कूल में पुलिस को देखते ही सारे शिक्षक और छात्र आश्चर्यचकित रह गए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर आई पुलिस का स्कूल के प्राचार्य मोहम्मद रिजवान और शिक्षकों ने स्वागत किया। इसके बाद पुलिस पदाधिकारियों ने स्कूल के छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए संगोष्ठी और पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने पर जोर दिया।
वहीं स्कूली बच्चों ने पुलिस प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। मौके पर नरोत्तम चौधरी, विद्यासागर, सीता सहाय, मोहम्मद तौकीर अहमद, बी एन झा, मनोज कुमार समेत कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। बच्चे 15-14 साल के हो गए, ये देख रहे होंगे कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों हो रहे हैं। इसी 1919 में इसी बिहार राज्य में कहीं बाढ़ की स्थिति आ गई और कहीं सुखाड़ की स्थिति आ गई। ऐसा क्यों? प्रकृति का ऐसा करवट ले रहा है। इसमें जहां तक मुझे लगता है इसमें हम सबों का ही ज्यादा दोष है। प्रकृति का दोष देना बेकार है। पहले बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे, कटाई अभियान चलने लगा, लोग काटते गए लेकिन लगाने का प्रयास किसने नहीं किया, तो एक दिन यह दिन देखना ही रहा। पुलिस आई हमारे कैंपस में तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज से पहले वर्दी देख के हम लोग भी चौंकते थे, लेकिन आज जब वो आई हमारे यहाँ वृक्षारोपण की, पर्यावरण पर उन्होंने काम किया, जैसे जल संरक्षण के लिए बोले उन्होंने गोष्ठी कराई यहाँ पर बच्चों के बीच, वृक्षारोपण के बारे में उन्होंने गोष्ठी कराई यहाँ पर, तो ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इन दोनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी ये इसका यूज कर सकेगी, नहीं तो हम लोग बहुत परेशान होंगे। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत नाथनगर स्थित सुखराज राय इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन के नेतृत्व में फलदार वृक्ष लगाया गया। वहीं इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने विद्यालय परिसर में खेल रहे सभी बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और पेड़ पौधा लगाने का संदेश दिया। मौके पर मुकेश यादव, चांदनी कुमारी, नीतीश कुमार सहित कई बच्चे मौजूद थे। कड है उसमें है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है धरती पर, ठीक ना, वो 380 ppm है, तो जिस दिन ये 400 ppm हो जाएगा, मतलब मात्र 20 बढ़ेगा, तो 400 ppm जिस दिन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा रेंज बढ़ जाएगा कि जितना ग्लेशियर है पहाड़ है बर्फ़ वाला वो पिघलने लगेगा। वो पिघलने से क्या होगा कि सी लेवल बढ़ेगा, समुद्र में जो बर्फ का पानी बह के कहाँ आता है नदी के माध्यम, समुद्र में जाता है। समुद्र में का वाटर लेवल बढ़ेगा, समुद्र का जो वाटर लेवल बढ़ेगा तो मुंबई और गोवा जैसा शहर जो समुद्र से मात्र 1-1.5 meter ऊपर है, ये सब नेस्त नाबूद हो जाएगा। बाराहट प्रखंड के सवलपुर पंचायत में नवनिर्मित काली मंदिर के उपलक्ष्य में बुधवार को 9 दिवसीय देवी भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इसको लेकर ग्रामीणों द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं और कन्याओं ने हिस्सा लिया। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा पापहरनी से निकलकर कथास्थल पहुंचकर संपन्न हुई। भागवत कथा में कथावाचक त्रिपुल बाबा रहेंगे। आयोजन को सफल बनाने में विकास मरिक, सिकंदर मंडल, हीरालाल कापरी सहित कई ग्रामीण सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिशन इंद्रधनुष के तहत 5 दिवसीय स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का मंत्री चौबे ने किया उद्घाटन, कहा निःशुल्क सेवा जनता के लिए उपयोगी। बिहार पुलिस सप्ताह को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन, एसएसपी ने पौधारोपण कर छात्रों को किया पुरस्कृत। पीएमबीयू कॉपी बिक्री मामले में सीनेट सदस्य ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग, कहा कुलपति द्वारा बनाए गए जांच कमेटी पर है संदेह। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान, कई वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। और डीआरडीए सभागार में जनगणना प्रशिक्षण शुरू, 4 दिनों तक मास्टर ट्रेनर देंगे अधिकारियों को ट्रेनिंग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।